हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान, आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 20 मार्च 2022 एमपीटेट की एग्जाम हो चुकी है मॉर्निंग वाली शिफ्ट की, और आगामी शिक्षक और शिक्षक बाहर निकल के आ रहे हैं, उनसे लाइव ले लेते हैं किस प्रकार से उनका पेपर, थोड़ा सा उधर दिखा दूँ, इनसे पूछ लेते हैं किस प्रकार से। और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने चैनल को, जिसके जैसे वीडियो अपलोड होता है आपके सामने पेश हो जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करना। आप वीडियो देख, सर पेपर था आपका कैसा था? पेपर आज का बढ़िया था। कितना स्कोर किया? 82। ठीक है, थैंक यू। सर आपका पेपर था कितना स्कोर? 78। ठीक है, थैंक यू। और पूछ रहे थे मैम, पेपर था कितना स्कोर? 90। कौन सी कैटेगरी जी? कैटेगरी कौन सी? जनरल। मैम पेपर था आपका जी कितना स्कोर? 86। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। ईवीएस कैसा पूछा गया? ईवीएस भी अच्छा था। थैंक यू। और पूछ लेते हैं मैम, कितना स्कोर? 101 ओबीसी। ओबीसी कहाँ से हो? मैं यहाँ बमोरा से हूँ। बमोरा से तो थोड़ा रुकना है ना, मैं नंबर पूछ लेता हूँ बस। हाँ सर, पेपर था आपका कितना स्कोर जी? स्कोर कितना? स्कोर मेरे सर 77। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। सर कितना स्कोर? मैम कितना स्कोर? सर कितना? मैम कितना स्कोर किया आपने? 91। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी सर। मैम कितना स्कोर? 80। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? अच्छा है। अच्छा था। मैम कितना स्कोर किया आपने? 90। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ठीक है, थैंक यू। सर कितना स्कोर? स्कोर कितना? स्कोर तुम सोचो आप। हाँ सर 90। बस थैंक यू। 78। सर कितना स्कोर? 90। सर 93। मैम कितना स्कोर किया? 63। 67। 63। कितना स्कोर? 63। 63। कौन सी कैटेगरी? वाह। और पूछ लेते मैम, कितना स्कोर किया आपने? 79। कौन सी कैटेगरी? बीएड। मैम कितना स्कोर? 70। कौन सी कैटेगरी? मेस। कैटेगरी नहीं बता पा। पढ़ा आपका कैसा आ गया पेपर? पेपर कैसा था आज का? ठीक था। कितना नंबर आया? कितने नंबर? अब लेट हो रही है। 79। तो इतना ही तो बोलना है। मैम कितना स्कोर? 94। कौन सी कैटेगरी? जनरल। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। ईवीएस में कैसा क्या पूछा गया? अच्छा था। हिंदी? हिंदी भी काफ़ी अच्छा था। संस्कृत भी अच्छा था, बस थोड़ा बहुत ईवीएस थोड़ा सा टफ था, बाकी अच्छा गया। थैंक यू मैम। और चेक कर लेते हैं, कितना कितना स्कोर? 81। कौन सी कैटेगरी? एसटी। अभी है आपका? थोड़ा आ जाओ बाहर, आ चलें दो और पूछ लेते हैं। मैम पेपर था आपका? पेपर था नहीं। मैम पेपर था आपका कितना स्कोर? 74। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी आपका मैम? 74। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? अच्छा था। ईडब्ल्यूएस में कैसे क्या पूछा गया? बहुत टफ टफ क्वेश्चन थे। हिंदी तो इजी थी। संस्कृत? ठीक है, थैंक यू मैम। हो गया ना आपका? और पूछ लेते हैं, बाहर आ जाओ, चलने देना ना साथ में। मैम पेपर था आपका कितना स्कोर? 87। और पूछ लेते हैं मैम, पेपर था आपका? यस। कितना स्कोर? 95। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? ठीक था, अच्छा था। ईवीएस में कैसा क्या पूछा गया? ईवीएस में अच्छा था, मृदा से रिलेटेड था, और तो याद नहीं आ रहा है मेरे को। हिंदी में? अपर्दन से, आपदा से था। आपदा प्रबंधन से, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन था। हाँ। उसका इस केस क्या पूछा गया डिजास्टर मैनेजमेंट को? अच्छा था। और हिंदी कैसे पूछी गई? हिंदी अच्छी थी। संस्कृत? संस्कृत भी अच्छी थी, लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर समझ में आती है तो ही हो सकता अच्छा है। और इसमें सीडीपी? सीडीपी अच्छी थी। थोड़ा भैया आगे ले लो, कितना स्कोर किया आपने? 90 सर। कौन सी कैटेगरी? अपन जनरल। जनरल मैम हो गया आपका? हो गया। मैम कितना स्कोर? 76। कौन सी कैटेगरी आपकी? हिंदी। कैसा था आज का? हिंदी कैटेगरी क्या? नहीं सॉरी ओबीसी। ओबीसी कैसा था आज का पेपर? बहुत कठिन था। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ फटाफट आ जाओ। भैया पेपर था आपका कितना स्कोर? 94। कौन सी कैटेगरी? जनरल। जनरल मैम पेपर था आपका? हो गया लाइव रिव्यू। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था आपका कितना स्कोर? 80। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। कैसा संस्कृत में कैसा क्या पूछा गया? अच्छा गया। और हिंदी में? अच्छा है। और संस्कृत क्या है आपने? ईवीएस कैसे पूछे गए? ईवीएस एनवायरमेंट स्टडी नहीं, अच्छी पूछी गई। सब तो अच्छे पूछे, पर बताइए ना कुछ क्वेश्चन तो बता दीजिए। नहीं क्वेश्चन क्या याद रहेगा? अच्छा, याद ही है। ठीक है, थैंक यू सर। भैया पेपर था आपका? नहीं था। मैम पेपर था आपका कितना स्कोर? स्कोर कितना? थोड़ा आ गया, ट्रैफिक मत। तो कितना? 70। भैया पेपर था?
मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? मैंने 85 किया। 85 कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। थोड़ा से इधर आ जाओ। ओबीसी कैसा था आज का पेपर? हाँ पेपर तो इजी था। ईवीएस में कैसे क्या पूछा गया? हाँ ईवीएस में आए थे थोड़ा, एक तो पुरस्कार दिया था उसकी राशि पूछ ली थी उन्होंने। अच्छा और तो एक शेवाल वाला आया था। हाँ बिल्कुल सही। और तो यार अधिगम वगैरह से दिए थे उन्होंने, अधिगम के ज्यादा पूछे थे। अच्छा, और एक वो सिद्धांत जो था तो सिद्धांत किस पर आधारित है? अच्छा सिद्धांत किस पर आधारित है, मतलब उसके जो अंदर की डिटेल थी वो वाली बतानी थी। और मैथमेटिक्स कैसी पूछी गई? मैथमेटिक्स से सवाल तो कम आए थे। आपका बैकग्राउंड क्या, सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा आपको? सबसे अच्छा तो मुझे संस्कृत भी अच्छी थी। सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा आपको? सबसे अच्छा तो मैथ से ही लगा। मैथ्स में डिटेल से बताइए। उसमें सवाल थोड़े मतलब एक तो ऐसा आ रहा था जिसमें ऑप्शन में मुझे गलती लग रही थी। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन से भी कर रही थी तो भी नहीं आ रहे थे, या फिर मेथड से कर रहे थे तो भी उसके आंसर नहीं आ रहे थे। कार्य दिवस वाला था वो, एक ही था सिर्फ। और क्या क्वेश्चन पूछे गए? और ऐसे एक तो वो माइनस प्लस को चेंज करना वो वाले थे, एक स्क्वायर वाला आ गया था। ठीक है, थैंक यू मैम, अच्छे से रिव्यू दे। मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर आप? 90। कौन सी कैटेगरी? जनरल। जनरल आपने सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा आपको? सर मैथ्स अच्छी आई। मैथ्स में बताइए, डिटेल से बताइए आप। सर मैथ्स में जैसे कि वृत्त के आए थे, वृत्त की त्रिज्या परिधि से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड आए थे, और भी सर जैसे गुणनखंड आए थे। बस। और हिंदी कैसी पूछेगी? अच्छी थी सर। संस्कृत? संस्कृत भी अच्छी। संस्कृत में क्या क्या पूछा गया? सर मेन तो गद्यांश पद्यांश तो आते ही है, उसके बाद सर लकार पूछा था उन्होंने। बस ये। और सीडी भी? सर सीडी भी अच्छी थी। सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा आपको, हार्ड कौन सा लगा? पेपर आज का देखा जाए मॉडरेट था कि कैसा गया था? हाँ सर मॉडरेट लेवल से था। सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा आपको? सर ईवीएस। ईवीएस ज्यादा टफ पूछा। ठीक है आपका मैम कितना स्कोर? 81। कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। आपको सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा? मैथ्स। मैथ्स में? मैथ्स में क्या क्या पूछा गया? मैथ्स में सिंप्लीकेशन के सवाल सबसे ज्यादा। अच्छा सिंप्लीकेशन। कैलकुलेटिव पेपर था क्या? नहीं पेपर वो टफ था। टफ था। ढाई घंटे में आपने कितने समय पहले पेपर कर लिया आपने? मेरा तो लगभग ढाई घंटे से दो घंटे में पेपर हो गया था, बट उसमें संस्कृत और ईवीएस बहुत टफ। अच्छा संस्कृत और ईवीएस के टफ हुआ, इसकी वजह से कम नंबर आए, नहीं तो अच्छा नंबर आ सकते थे। जो पढ़ा वो संस्कृत में कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आज का ईवीएस। अभी मैं बता दूं मैम कितना स्कोर? 80। कौन सी कैटेगरी आपने? ओबीसी। कैसा था आज का पेपर? ठीक था। सबसे सरल पोर्शन कौन सा लगा आपको? हिंदी। हिंदी वो सबसे कठिन? कठिन मैथ्स और पर्यावरण। पर्यावरण तो आप हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी में तो ये पद्यांश गद्यांश थे उन्हीं में से उत्तर थे बस। हाँ, और एक समाज का था उसमें, और बाकी तो और तो कुछ याद नहीं। ठीक है मैम आपका पेपर था? हाँ। कितना स्कोर किया? 78। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी कैसा था पेपर आज का? अच्छा था। सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा आपको? हिंदी का लगा। हिंदी। हिंदी में क्या क्या पूछा गया? गद्य पद्यांश थे उसमें से क्वेश्चन देखने थे, और मैथ्स भी थी। मैम आपका पेपर था कितना स्कोर? 55। कौन सी कैटेगरी? एससी। मैम कितना स्कोर? 84। कौन सी कैटेगरी? जनरल। मैम हो गया ना आपका? हाँ सर पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 98। कौन सी, थोड़ा सा बाहर आ जाओ। हाँ 98। कौन सी कैटेगरी आपकी? मैं राजस्थान। अच्छा राजस्थान से हो। आपका सर कितना स्कोर? 105। यस। थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, ट्रैफिक है यार इधर, आ जाओ अंदर आ जाओ। मैम पेपर था आपका कितना स्कोर? मेरी 83। 83 कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। जनरल ईवीएस में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? ईवीएस में थोड़ा टफ था। हाँ? और बाकी तो इजी था। हाँ? जो पढ़ा है सिलेबस के अंदर से ही आ रहे क्वेश्चन, तो मैथ्स में भी इजी था, मतलब कि वो साइन चेंज करने वाला था, अनुपात वाला था। बिल्कुल सही। और एक क्वेश्चन था उसमें ये पूछा हुआ था कि मतलब कि कचौरी का मूल्य 5 रुपये है, समोसे का 2 है। हाँ। और कचौरी का मूल्य जो है वो 2 गुना है समोसे। हाँ। से और दोनों का करके 48 है, तो उसमें शायद क्या कचौरी का बताना। हाँ, था क्वेश्चन। और क्या पूछा गया? और संस्कृत में भी इजी था, वैसे इजी था मतलब संस्कृत और ईवीएस थोड़ा टफ। अच्छा ईवीएस पर। सीडीपी कैसे पूछी गई? सीडीपी इजी थी। बाई गोत्सुके से आया था क्वेश्चन, स्किनर से आया था, और वो आया था कि विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है कि मात्रात्मक होता है, फिर दोनों होता है ऐसा, और इजी था वैसे। सर आपके 105 नंबर, आपके किसके 105 आपके? नहीं, आपके है ना सर 105 नंबर। कहाँ से आप? मैं भाटकेड़ी से हूँ, नीमच जिले से हूँ। हाँ नीमच जिले माना। आगे आ जाओ वहाँ। सर और पेपर था आपका? और पेपर था आपका, हो गया ना सब? हाँ 105 ये आज की टोपी है। मैम पेपर था आपका? थोड़ा सा रुकना सर, आ गया नीमच के हो ना। मैम कितना स्कोर आपका? अरे आप तो वही हो एमपी कांस्टेबल के टाइम के। हाँ सर। हाँ आपके कितना स्कोर? मेरे 80। थोड़ा आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा पाइल देखना। मैम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। क्लियर किधर दिख रहा बेटा?
किधर दिख रहा क्लियर? इधर दिख रहा सही? हाँ मेरे को ये हैंड है। हाँ क्या नाम आपका? फुलकुवर पवार। फुलकुवर कहाँ से हो? मैं कुंडला से, मनासा तहसील जिला में। आप कहाँ से हो? मैं रिया नीमच से। नीमच से कितने नंबर आया कला से? मेरे 80 नंबर आए। 80 नंबर। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। आपकी कौन सी कैटेगरी? ओबीसी 83। बता सकते हो ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ईवीएस में सर मेरे को याद नहीं आ रहा ज़्यादा, क्योंकि तैयारी करी नहीं थी, तो जो समझ में आया वो लगा दिया। बट जैसे कि जैसे एक था वो याद आ रहा मेरे को, कृषि जो उत्पाद होते हैं उनका जैसे अपने वो होता है ना एसआई मार्क, एक मार्क क्या लगाते हैं, तो एक मार्क लगाया था मैंने, वो आया था। और इससे मतलब मैं टोटली जैसे मेरे को याद आते हैं वो बता देती हूँ। ईवीएस में बताओ, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ ईवीएस में, ईवीएस में मेरे को भी याद नहीं आ रहा। और आप ये बताइए, एक में एक ईवीएस में पूछा था बायोमास में सबसे ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बायोमास वाला। और मतलब उसमें पेडोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा। अच्छा, ईवीएस में। और खेल से कोई रिलेटेड? हां खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मृदा से आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट मृदा से आया था। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट। हां मृदा से आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन से आया आपदा प्रबंधन से नहीं क्वेश्चन था। शिक्षा नीति से कोई क्वेश्चन? हां इसका था ना मैम, वो जो भूकंप जो है ना, जिसकी खोज किसने करी थी, वो रिएक्टर स्केल की। और चलो अब बात करते हैं सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए उसमें? पेडागोजी में सर जैसे याद है, आप बताइए सीडीपी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा सीडीपी में। जैसे एक आईक्यू लेवल वाला था क्वेश्चन, तो औसत आईक्यू लेवल कितना मानेंगे अपन? 80 मानेंगे, 100 मानेंगे, या 120? हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? हिंदी में याद ही नहीं आ रहा सर। मतलब यौगिक शब्द पूछा था और योग रूट शब्द पूछा था हिंदी में, और पूरा चार विकल्प दे रखे हैं, उसमें से कौन सा शब्द जो है वो गद्यांश के अंदर नहीं दिया गया है? एक तो मानव था और एक ऐसा ही कुछ था है ना, सहानुभूति और ऐसा ही कुछ था, अभिमान दिया था। अभिमान लगाया था। और इसमें क्या पूछा कि आपने बताइए संस्कृत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? संस्कृत में सर एक तो विभक्ति पूछा था, और मतलब जो विभक्ति है ना वो पद्यांश में से ही पूछा था। हाँ और समास संधि वगैरह लकार पूछा, लकार में लकार पूछा था, समास संधि नहीं पूछा था। एक एक का संधि विच्छेद पूछा था। बस यही। मैथमेटिक्स में सर एक क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट था, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। मतलब जैसे अपन रखते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई को डिवाइड कर देंगे, या डिवाइड को प्लस रखा जाए, या और प्लस को माइनस रखा जाए, वो करके। एक तो वो था, और एक था रूट 48, ये पूरा याद है मुझे, रूट 48 माइनस रूट 36, तो इसको करना था। आप स्क्वायर वाले पूछे थे, मतलब कि उनका स्क्वायर निकाल के माइनस करना, दो स्टेप से क्वेश्चन आए थे। और एक आया था कि मतलब किसी मतलब गोला वृत्त की परिधि, मतलब बाहरी परिधि 35 और आंतरिक परिधि 21 है, तो उसका मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे रिसेप्शन किया। और आपने 2.5 घंटे में कितने समय पहले पेपर कर लिया था? सर मेरा 9 मिनट या 14 मिनट पहले हो गया था। आपका भी 10 मिनट पहले हो गया था। और आपको सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा? सबसे टफ तो सर मुझे थोड़ा संस्कृत लगा, और सबसे ज़्यादा सरल मैथ्स तो ठीक ही था, पर सबसे सरल कौन सा लगा? सबसे सर आपको सबसे मतलब सभी एक एक जैसे लगे, मतलब मॉडरेट लेवल था पेपर आज, मॉडरेट या थोड़ा सा हाई। तो आप बच्चों से किस प्रकार आगामी जो एमपीटेट एस्पिरेंट है उनको किस प्रकार तैयारी करने की? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो तैयारी कर रहे हो ना वो अच्छे से करो, क्योंकि मैंने 5 से 6 दिन तैयारी करी और मेरे 83 आ गए, तो आप लोग अच्छी तैयारी करो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपका मैं तो एक जो अनुभव के ऊपर है, और जितना जो पढ़ा है वो ठीक है उसका आ जाएगा। ये मैं दूसरी बार रिव्यू दे रहे हैं, एक बार एमपी कांस्टेबल में फर्स्ट 9 जनवरी को पेपर है, कि कौन सी 10 जनवरी को पेपर था ना आपका? 11 जनवरी को पेपर था, लाइव रिव्यू के देखे गए थे, और इन्होंने दूसरी बार भी लाइव रिव्यू दिया है। आप भी जो भी गर्ल्स देने आओ तो लाइव रिव्यू देखे जा सकते हो। और एक मिनट इतना 14 मिनट ठीक है। आपको और कोई बताना है, कुछ भी बताना हो? सर जैसे कि जो मेहनत कर रहे हैं ना वो ढंग से, मतलब अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे और थोड़ा ध्यान दे लेंगे सभी सब्जेक्ट पर, तो अच्छे नंबर आ सकते हैं और सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू मैम। सर आ जाओ, अब आप आ जाओ। अब 105 वाले आज के हाईएस्ट टॉपर वाले भैया यही हैं। और हाँ सर, आपके कहाँ से आप? भाटकेड़ी से, मनासा तहसील भाटकेड़ी। क्लियर दिख रहा बेटा के उधर से? क्लियर दिख रहा, स्टार्ट कर दो। हाँ
कितने नंबर आपके? 105 105। आज सेंटर टॉपर आप ही लेब के? अभी सेंटर टॉपर मेरे लेब में तो मैं ही हाईएस्ट था। हां, एक 101 भी मिले थे मेरे को भैया। हां, 101 भी मेरे ही लेब में थे। वो भी थे जी। और आपके कितने नंबर आए? 98 सर। 98। कौन सी कैटेगरी आपकी? मैं जनरल से हूं सर। जनरल से हूं ना? राजस्थान से हूं। राजस्थान से। हां, तो आप बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था तो ज़्यादा सरल भी नहीं था। हाँ। मीडियम लेवल का था। सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए ये बताइए आप सर। आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। 105 हाईएस्ट है जी, ठीक है ना? तो आप बताइए सीडीपी में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे चाइल्ड और पेडागोजी से? हाँ जी, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में जैसे अपन देखिए बाल विकास के अंदर तो वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आ रहा है और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत सारे सिंपली क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, जैसे कि छात्र या अदर जो भी थिंग्स बताई थी उसमें तो छात्र सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ, इस टाइप्स के क्वेश्चन थे और हाँ, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होता है और उसमें ये भी था कि लंच टाइम जरूरी है, लंच टाइम जरूरी है या कुछ ऐसा कुछ जरूरी था, अनुवांशिकता से रिलेटेड थे। और इसी के साथ ये भी था कि गर्व और शर्म की अवस्था कौन सी होती है, ये भी पूछा गया था। ये वाला भी क्वेश्चन जरूरी है। शर्म बना भिन्नता वो है, वो उसमें किशोरावस्था है, वो भी किशोरावस्था से संबंधित किशोरावस्था है ना, एडल्ट लाइफ से भी। और निम्न में कौन सा अनुवांशिकता को प्रभावित नहीं करता, इस टाइप से भी क्वेश्चन थे अनुवांशिकता वाले टॉपिक से क्वेश्चन। पेडागोजी में और क्या पूछा गया? पेडागोजी में ऐसे स्कूल से मैनेजमेंट से रिलेटेड ही था, जैसे आप भ्रमण पे ले जा रहे हो कहीं पे तो किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पहले से योजना बनाएंगे या नहीं करेंगे, उस से रिलेटेड। बात करते हैं हम संस्कृत में किस प्रकार, हिंदी हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? हिंदी में बहुत इजी थे, ज़्यादा विशेष। अच्छा, ज़्यादा विशेष नहीं थे। और हाँ, हिंदी के जो क्वेश्चंस थे जिसमें जो पेसेज था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो शील और चरित्र से रिलेटेड था और अधिकारी और इनके बारे में दे रखा था तो बहुत ही अच्छा लगा, उसको पढ़ के भी अच्छा लगा, मतलब ऐसा मोटिवेट वाला मोटिवेशन वाला अच्छा लगा मुझे। और इसी के साथ हाँ जी जी, उसी में ये भी मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे कि निम्न में से इसमें कौन सा शब्द नहीं आया है, तो वापस से उसको वापस चेक करना पड़ा, लेकिन वो हो गया था अच्छे से। और इसी में एक समास वाला भी आया था कि त्रिकोण में कौन सा समास है, तो ये वाला भी अच्छा इजी क्वेश्चन था। और संस्कृत में एक लकार से क्वेश्चन था, एक आत्मन में कौन सी, ये वाला क्वेश्चन था। और मैथ्स बहुत ही इजी थी, मैथ्स में जैसे अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 36 का वैल्यू निकालना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला, उससे मिनिमम मेरे 3 या 4 क्वेश्चन में। हाँ, नंबर सिस्टम से 4 से 5। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे उससे। हाँ उनसे। और जैसे वृत्त वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है, सर्कल से जैसे हाँ उसमें रेडियस बढ़ाना करना है ना, और इस टाइप से कोई सिलेंडर जैसे। पहले आपने बहुत सारे इंटरव्यू पहले भी लिए होंगे तो ये अभी अभी इसकी बात मत करो भाई, अब बस ओनली फॉर लाइव रिव्यू की बात करें, उसके बारे में बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपको। ठीक, कोई भी डाउट होगा आपको बाद में आप। हाँ, और सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आप ये रिव्यू का जो वीडियो बनाते हो इससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली लगातार इतने दिनों से आपका रिव्यू देख रहा हूँ, हर शिफ्ट का आपका आता है, बहुत टाइम से आ जाता है, मैंने आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है और सबसे पहले आपका ही वीडियो आ जाता है। सबसे पहले बात क्या थी, जैसे हम कभी भी नेट पर सर्च करते थे, हमारी इच्छा होती है हम भी एनालिसिस देखें एग्जाम में क्या हो रहा है, तो अब हमें क्या इंदौर के और दूसरी जगह के दिखते उधर ग्वालियर के गुना के, तो वो हमको उनके वॉइस में वगैरह हम समझ में नहीं आता। और जब से मैंने आपका ये चैनल देखा, मेरे दोस्त से पता चला मुझे कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, अपने निमस से रिलेटेड है, और अपने वाले जब अपने साथ में दिखते ना तो अपना मोटिवेशन और बढ़ जाता है। अभी एमपी में अपना टॉप चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वैकेंसी के खिलाफ भी मैं करूंगा, बस आपका साथ सहयोग होना चाहिए सबका। बिल्कुल, हम भी बहुत जल्दी आएंगे इधर वापस। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आओ सर, क्योंकि समानता का अधिकार पूरे भारत में संविधान लागू है 16 आर्टिकल 16 के तहत, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा? ईवीएस में क्वेश्चन जैसे स्पेस से पूछे तो स्पेस में ये पूछा गया था कि जो आर्यभट्ट जो लॉन्च करा था वो किस कंट्री की हेल्प से करा था। ऑप्शन थे जैसे फ्रांस है या रूस, सोवियत है, इस टाइप से जर्मन, इस टाइप से ऑप्शन थे उसके अंदर। और स्पेस से तो ये हो गया, इसके अलावा ये पूछा था कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी के साथ ईवीएस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो भ्रमण पे जानने चाहती है शिक्षिका, तो कौन सी योजना पहले ना बनाए, और खेल से खेल से वो पूछा था कि शायद टेबल टेनिस में जो वो हाफ होता है कितने मिनट खत्म होने के बाद, तो मैच खत्म होने के बाद आपको कितना टाइम दिया जाता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। हाँ, वो अब भैया एक और भैया जुड़े हैं अपने साथ में, कहाँ से सर आप? मैं बमोरा से हूँ, बमोरा नीमच जिले से। जिले से आपके कितने नंबर आए? मेरे 101 नंबर है। ओबीसी कैटेगरी? एक बार आराम से आपको बताइए जी, मेरी भी ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी है ना आपकी भी? आप तो राजस्थान से हूं। तो आपने 2.5 घंटे में कितने समय पहले पेपर कर लिया था? मेरा 61 मिनट मेरे पास बच गए थे। अच्छा, 61 मिनट अच्छे से आराम से पेपर हो गया। अच्छा, और आपने?
मैं तो लगभग सही समय पे ही पूरा हुआ था। सही समय पे पूरा कर लिया था आपने। हाँ, आप बच्चों से किस प्रकार उपदेश देने के लिए बोल सकते हैं? बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो ये जो रिव्यू आते हैं इन पे थोड़ा आप अच्छा ध्यान दें, क्योंकि इससे अपने को पेपर का पैटर्न समझ में आता है। जैसे कि भैया ने हमको पहले ही बता दिया था कि इस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे थे, तो इनके लिए मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा इनको, इन्होंने बहुत अच्छा वर्क करा। भैया यही जुड़े हैं, 101 नंबर है इनके और सेकंड टॉपर यही है। कहां से आपका ये एग्जाम था क्या? नहीं, मेरा यही था, मैं यहां बमोरा से हूं। के पास है, अच्छा अच्छा, आपके 101 नंबर है, 101 नंबर फर्स्ट टॉपर ही भैया हैं और सेकंड टॉपर आप भी हो। तो बताइए सीडीपी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सर सीडीपी में अच्छे थे क्वेश्चन, लेकिन घुमा ज्यादा रहे। अच्छा, घुमा ज्यादा हां, घुमा ज्यादा रहे। हाँ, एकदम अट्रैक्टिव नहीं आ रहा है, जैसे अपन पकड़ लें डायरेक्ट आंसर मिल जाए अपने को, वाई गोट्स की है, जिन पियाजे है, ऐसे नहीं आ रहे, इसको घुमा के पूछ रहे हैं। जैसे एक भाषा का एक था क्वेश्चन, तो वो चोमोस्की से रिलेटेड लग रहा था, लेकिन उसमें एक वाई गोट्स की और फंसा दिया, तो वो अब पता नहीं चलता है कि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। हाँ हाँ, वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और हाँ, इसमें संस्कृत में एक तो लकार था, हाँ, अभवत करके था एक, हाँ, तो लंग लकार है वो, हाँ, सबको पता चल रहा है ना। और एक महा करके ऐसा कुछ था, हाँ, जो उसमें अपने को जोड़ना था, हाँ, उसको विभक्त कर रखा था, हाँ, और अपने को जोड़ना महाकवि महाकवि, हाँ, वो समाज विग्रह कर रखा था, उसको अपना जोड़ना था बस, क्लियर इतना काम था। संस्कृत में वैसे ठीक ठीक था, दो लाइन की वो पद्यांश दे रखे थे केवल, ओनली दो लाइन की, उसमें थोड़ा ऐसा लगा मेरे को कि दो लाइन में कैसे अपन निकालेंगे इसमें से आंसर कैसे निकालेंगे। और जो कवि वाला था वो तो ठीक था, जैसे केरल के कोई कवि हैं, वो एक पद्यांश तो थोड़ा कठिन था, गद्यांश ठीक था उसका, गद्यांश में चार पांच लाइन थी ना, तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन दो लाइन देके पांच क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो उसमें अपने को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि दो लाइन में पांच आंसर कैसे निकालेंगे। और ईवीएस में किस तरह क्वेश्चन? ईवीएस में ठीक ठीक था लेवल से, लेकिन आज केवल आर्यभट्ट का पूछा था, वो एक कि आर्यभट्ट जब भेजा गया था तो किस देश के सहयोग से भेजा, तो वो रूस था शायद, है ना। और एक वो था जो एक वो क्वेश्चन था कि पहाड़ों में जो जो किलो में जो किलो में जो पत्थर होते हैं ना, उसकी हाँ मिट्टी की परत कैसे, हाँ वो अवघटन था कि विखंडन था कि डिजास्टर में ये था कि निम्न में से कौन सा जोखिमीकरण को कम करता है, ऐसा था। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन आया? नहीं, ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में, हाँ एनजीटी कुछ नहीं आया, एक आया था यूपीआरडीओ करके ऐसा कुछ था, कौन सा सर, लेकिन वो उसका फुल फॉर्म नहीं दे रखा, केवल यू राम सर से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बना राम सर से। और आपने ढाई घंटे में कितने समय पहले पेपर? मेरा तो चार मिनट बचा था, चार मिनट बचा था, क्योंकि मेरी गणित थोड़ी वीक है ना, मेरे गणित में पांच सात क्वेश्चन रह गए, 110 हाँ। आपने रीड किया था सर? जी, कितना है आपका? 120 120 नंबर आया, 120 नंबर, वो देखा जा रहा है, वो रिश्यू चल रहा है, 10 12 नंबर नीचे आ रहा है। आपने दिया था? नहीं, रीड नहीं दिया था। और आप बच्चों से किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? नहीं सर, तैयारी तो क्या है सर, अगर अपन हिंदी में पकड़ कर लेंगे, संस्कृत पकड़ कर लेंगे थोड़ी, तो कवर हो जाएगा। और बाल विकास को थोड़ा देखना है उसको कैसे क्या है, बाकी आप पर्यावरण में सोच लो कि जो रटके जा रहा हूँ वो आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने कितने घंटे तैयारी की? तैयारी तो हम स्कूल में जैसे पढ़ाने जाते हैं, तो उसी के साथ तैयारी चल रही, बेस पढ़ाता हूँ। अच्छा, बेस पढ़ाते हो, कितना घंटे पढ़ाता हूँ? जैसे स्कूल से आने के बाद हम तैयारी करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 06 1995। और ये सेकंड टॉपर है, 101 नंबर, इस नीमच जिले में जो सेंटर है ज्ञानोदय सेंटर, वहाँ के टॉपर दोनों भैया, इनसे अच्छे से बात की और इन्होंने अच्छे से लाइव रिव्यू दिया। ऐसे मजाक नहीं उड़ाया कि ये झूठ बोल रहा, वो झूठ बोल रहा, ऐसे वीडियो बहुत आप कमेंट करते हो झूठ बोल रहा, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है, किसके पास क्या कम्युनिकेशन है, इस वजह से कोई नहीं बोल पाता है। पर नंबर बता के जाते हैं, सही बता के जाते हैं, कोई होता नहीं बता के जा रहा, गलत बता के जा रहा, तो उसे आज नहीं, एक साल दो साल बाद उसकी जितनी हंसी उड़ेगी ना, उसको लगेगा मैं झूठ बोल के गया हूँ, क्योंकि 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 लाइव देखते हैं, व्यू देखते हैं, तो हंसी उड़ेगी, इसलिए झूठ नहीं बोले। और अच्छे से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो दिया है रिव्यू दिया है बहुत बहुत सर, ऐसे आपके पास स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना आप। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।